दाल ले ली है, तकरीबन 1.5 पाव मैंने दाल ली है। 8 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये वाला गिलास देखें, मैंने 8 गिलास इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब इसमें नमक जाएगा, हसबे जायका, 3 ये वाले जो छोटे चम्मच हैं मैंने डाले हैं कुटी हुई लाल मिर्च के, हल्दी जाएगी इसमें ये वाला एक छोटा चम्मच जो है, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा ये वाला चम्मच मैंने लिया है, ये देख लें आप, 1 अदद प्याज मैंने काट ली थी ये जाएगी। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ये दाल डाल देंगे। कुकर हमने बंद कर दिया है, तकरीबन 1.5 घंटा मैं दाल को पकाऊंगी ताकि गल जाए। दाल हमारी गल चुकी है, मैंने कुकर में तकरीबन 1.5 घंटा इसको पकाया था और देखें ये दाल गल गई है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी और इसको पकने रख दूंगी दोबारा। देखिए हमारी दाल पक रही है, अब हम इसमें पुदीना डाल देंगे। पुदीना हमने डाल दिया है और अब मैं इसमें इमली डालूंगी। ये देखें पुदीना और इमली मैंने डाल दी है, अब मैं इसको ढक दूंगी और थोड़ी देर पकाऊंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको हल्की आंच पे रख दूंगी ढक के। ये देखें देसी लहसुन मैंने छील के इसको काट लिया था दाल में बघाड़ लगाने के लिए, तो थोड़ी देर में मैं दाल में बघाड़ लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ऑयल जो है ना, ये वाले जो चम्मच हैं 3 चम्मच मैंने डाले हैं। लहसुन का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और साबुत लाल मिर्ची। ये देखिए हमारा बघाड़ तैयार हो रहा है। मलका मसूर की दाल में ये लहसुन का बघाड़ बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। अब हम दाल में बघाड़ लगा देंगे। तो कैसी लगी आपको दाल मुझे ज़रूर बताइएगा, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।